हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेकार पड़े कपड़ों से फूड मट बनाने की वीडियो शेयर करूंगी, जो कि मेरी मम्मी बना रही हैं। अब पुराने बेकार पड़े कपड़ों से बहुत ही आसानी से 400-500 रुपए में मिलने वाला फूड मट घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस टाइप के कोई भी ओल्ड दुपट्टे, लेगिंग या लोअर ले सकते हैं। वैसे आप स्केल से भी इसे माप सकते हैं या फिर सिंपली 2-3 फिंगर चौड़ा कपड़ा निशान लगाकर ऐसे लंबे लंबे पट्टी की तरह फाड़ देंगे। इसे आप ऐसे ही कैची से भी निशान लगाकर हाथ से ही कुछ चौड़ी सी पट्टी की तरह निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने यहाँ 3 कलर के दुपट्टे का यूज़ किया है और सेम साइज़ की पट्टी निकाल ली है। फिर इस टाइप से इनके सिरे लेकर आपस में जोड़ लेंगे और जैसे चोटी बनाते हैं वैसे ही बनाते जाएंगे। अगर आप 2-3 कंट्रास्ट कलर के कपड़े लेकर बनाएंगे तो ये और अच्छा लगेगा। इसकी चोटी बनाते समय बिल्कुल टाइट चोटी बनाएंगे, नहीं तो कपड़ा बाद में खुल जाता है। बीच में जहां भी ये रिबन या पट्टी खत्म होती है तो हम दूसरी पट्टी लेकर इस तरीके से उसमें जोड़ देंगे और सुई से अच्छे से सिलकर जोड़ देंगे, ताकि ये फूड मैट बनने के बाद अलग ना हो। एक पट्टी में दूसरी पट्टी जोड़ने के लिए अगर आप गांठ लगाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे सुई से जोड़ रहे हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी चोटी बनाकर ऐसे रख लेंगे। देखिए हमने भी कितनी सारी बना के रख ली है। तो अब फूड मट बनाना स्टार्ट करते हैं। बनी हुई चोटी को एक साथ रखकर एक के बाद एक जोड़ते जाएंगे और सुई से साथ ही साथ सिल देंगे, ताकि ये अलग ना हो। अब आप इसे जो भी शेप देना चाहें, जैसे कि ओवल या स्क्वायर में बनाना चाहते हैं, तो उस टाइप से ही ये चोटी ऐसे घुमाकर और एक साथ करके हम सिलते जाएंगे।
देखिए ये इतना हो चुका है, तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसी टाइप से उसे राउंड करके साथ में सिलते जाएंगे। चोटी को सीधा और बराबर करते हुए फिक्स करते जाएंगे। अब इसे साथ में जोड़ने के लिए सुई से सिलते जाएंगे। तो देखिए अब ये फुटमिट बनकर तैयार है। आप चाहें तो और भी किसी शेप में ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक राउंड शेप का भी बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप एक दूसरे तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से भी बना सकते हैं। ऐसे ही सेम प्रोसेस करते हुए आप किसी भी शेप के फुट मैट बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही घर पर पड़े पुराने और बेकार कपड़ों से आप ये फुटमिट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब ये फुटमिट बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।